और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है, मुझे अभी तक याद है। मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। अगर मेरी जिंदगी में मेरी माँ, मेरी मासी, मेरे मौसा जी और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मेरे नानी नाना नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस चाइल्डहुड ट्रॉमा से कभी भी उभर पाती और कभी भी आज आप लोगों के बीच में खड़े होकर इतने बड़े बड़े काम मैं कर पाती। मैंने ये महसूस किया है कि जब बहुत अत्याचार होता है तब बहुत बदलाव आता है। उस अत्याचार से आपके अंदर एक ऐसी आग जलती है जिसको अगर आपने सही राह दिखा दी तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आज जितने भी अवॉर्डीज हमारे बीच में हैं, हर एक कहानी इतनी पावरफुल है, हर एक औरत और आदमी के पीछे ऐसा ही कोई संघर्ष छुपा हुआ है। उन्होंने अपनी जिंदगी से लड़ना सीखा, उस समस्या से ऊपर बढ़ना सीखा और जिंदगी को एक नया मकाम दिया। मुझे ये लगता है अभी हमारे बीच में आने वाली है सुपर दादी रामबाई, अभी आप उनसे मिलोगे। मैं उनके बारे में, कुट्टी अम्मा आने वाली हैं, दादी भगवंती आने वाली हैं, आप देखोगे कि वो किस तरीके से उन्होंने कभी हार ना मानने की हम सबको सीख। देखो, मेरे को स्वाति ने ये जरूर बताया था कि उनका जो बाप है वो, उनके बाप एक सर्विसमैन थे और उनके बाप उनके साथ और उनकी जो बहन थी उनके साथ मारपीट करते थे और वो अपने बेड के नीचे छुप जाती थी। लेकिन मेरे को कभी स्वाति ने ये नहीं बताया कि उनका बाप उनका यौन शोषण करता था। तो इस बात को जानने के लिए मेरे हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि वो सच्चाई तो स्वाति ही जानती है कि क्या बात है क्या नहीं है, उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट करवाना चाहिए अपना और नार्को टेस्ट करवा के उसको खुद ही करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी पोस्ट पे वो बैठी हैं और एक बाप बेटी का रिश्ता, क्योंकि उनके जो पिताश्री हैं, उनके जो पिता हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो करीब 20 साल पहले मर चुके हैं। तो अब वो तो कोर्ट में आएंगे नहीं, वो तो उनके ऊपर FIR और केस तो हो नहीं सकता, तो इसलिए उनको खुद ही सामने आके सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। और अगर उनको उनके साथ ये चीज हुई है और उससे उनको जरूर आघात लगा होगा, उनके मेंटली प्रॉब्लम होगी जरूर, उनको मानसिक रूप से एक परेशानी होती है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि उनको उनकी मेंटल हेल्थ के लिए उनको डॉक्टर के पास भी चला जाना चाहिए। और उनका शोषण, जो उनका यौन शोषण की उन्होंने बात कही है, वो उनका किसने किया है नहीं किया है उसकी सच्चाई वो खुद जानती हैं और उसके लिए उनको लाइव डिटेक्टर टेस्ट और नार्को टेस्ट करवा के खुद ही सार्वजनिक कर देना चाहिए और अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए किसी। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।